जिला प्रशासन वहाँ जल्द से जल्द पूजा पाठ शुरू करेगा। तो 7 दिन के बाद सभी भक्त वहाँ जा पाएंगे कि सिर्फ कुछ लोग? 7 दिन के अंदर जिला प्रशासन को दिया है, अब जैसे जिला प्रशासन वहाँ पे अरेंजमेंट करेगा वहाँ तुरंत पूजा पाठ शुरू हो जाएगा। जो भी काशी विश्वनाथ मंदिर जाएगा वो तहखाने पूजा करने जरूर जाएगा जी? बिल्कुल बिल्कुल जाएगा। तो आप समझ सकते हैं कि काशी विश्वनाथ मंदिर मंदिर बताइए कि आप पूजा पाठ जो शुरू होगी तो ट्रस्ट को आदेश होगा किस तरीके से पूजा पाठ करेंगे? देखिए, काशी विश्वनाथ ट्रस्ट को भगवान की कैसे पूजा पाठ हो इसके लिए कोई आदेश की जरूरत नहीं होती है, उनको पता हो कौन कौन से भगवान पूजा पाठ हो, क्या विधि हो। देखिए वहाँ पे वही मैं बता रहा हूँ उसकी निटी गिटीज में वो काशी विश्वनाथ ट्रस्ट डिसाइड करेगा। हमारा जो लीगल काम था वो लीगल काम हमने पूरा किया है, अब काशी विश्वनाथ ट्रस्ट के ऊपर है कि उसकी पूजा पाठ स्टार्ट। तो 7 दिन के अंदर ये पूजा शुरू हो जाएगी? 7 दिन के अंदर पूजा पाठ, ये कोर्ट ने तय कर दिया कि 7 दिन के अंदर जी। कोर्ट ने अपने आदेश में लिखा, जो कोर्ट का आदेश है मैं आपको वही बता रहा हूँ। सभी को जाने की अनुमति होगी जी? सारे लोगों को, भक्तों को, पुजारी को, सारे लोगों को जाने के अनुमति। तो जो जो भी काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन करने जाते हैं वो सारे लोग अब जा सकते हैं? जी बिल्कुल 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 जा सकते हैं। तो एक बड़ी बात होगी, एक बड़ी बात है कि जहाँ पर मैं ये कहना चाहता हूँ जो जस्टिस के एम पांडे ने राम मंदिर में 1 फरवरी 1986 को ताला खोलने का आदेश दिया था, मैं आज के इस ऑर्डर को उसी की तुलना में देखता हूँ। ये इस केस का टर्निंग पॉइंट है, बहुत ऐतिहासिक ऑर्डर है। और जो एक सरकार ने अपनी पावर का दुरुपयोग करते हुए हिंदू समाज की पूजा पाठ रोकी थी, आज कोर्ट ने उसको अपनी कलम से रेक्टिफाई किया है और वहाँ पे पूजा पाठ के आदेश दिए। रोकने का कोई लिखित आदेश नहीं था उस समय? रोकने का कोई लिखित आदेश नहीं था, आज भी कोई रिटर्न ऑर्डर किसी भी गवर्नमेंट के पास नहीं है कि वहाँ पे पूजा पाठ कैसे रोकी गई। तो अब माना जाए कि स्वामित्व के अधिकार के ये पहला चरण है? ये बिल्कुल पहला चरण है और बहुत जल्दी लीगल केस हम पूरा करेंगे और केस जीतेंगे। तो इसके बाद अगला लक्ष्य वजूखाने का सर्वे है? वजूखाने का सर्वे, जिसके लिए सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। सुनवाई होगी, सबकी सिंगल हुई है, कोई की डबल नहीं हुई। वही फ्रेम दिया रहेगा सुमन लाल जी का फ्रेम कहाँ गया? अच्छा देखिए, बहुत ज्यादा आज खुशी की बात है, बहुत ज्यादा खुशी की बात है, क्योंकि जो ऐतिहासिक भूल हुआ था बरसों पहले उसका अब निस्तारण निकल रहा है। अब पूजा पाठ का अधिकार भी हम लोग को मिलने को है, तो इससे बढ़ के खुशी की क्या बात है? जो बंद था वो अब होने जा रहा है, तो इससे बढ़ के खुशी क्या होगी? बहुत मैं सभी को बधाई दूंगी, सभी को इसके लिए बधाई दूंगी। Stay with the Times of India for news breaks, analysis, interviews and events. We bring you stories from your neighborhood and from across the globe as well. Subscribe to our YouTube channel. Hit the like button and press the bell icon so you don't miss any of our videos.